बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इवनिंग आर और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 17 दिसंबर मंगल है और मैं आपसे मुखातिब हूँ i14 न्यूज़ के मैनचेस्टर स्टूडियोज से। और अमूमन आप बुध को हमारा सेगमेंट देखते हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर, लेकिन अब इंशाल्लाह हर मंगल की रोज़ 5 से 6 बजे सेगमेंट हुआ करेगा स्पोर्ट्स कॉर्नर, और इसके बाद यूके यूरोप टाइम भी आज ही के दिन इंशाल्लाह होगा। तो स्पोर्ट्स कॉर्नर में जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। देखना है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम का जो पहला टेस्ट मैच होगा 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी। बहुत ही अफसोसनाक परफॉर्मेंस थी यहाँ यूएई में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इससे एक नई बहस में जो हम देख रहे हैं इजाफा हुआ कि आया सरफराज अहमद को टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तान होना चाहिए या नहीं। पिछले दिनों शाहिद अफरीदी का एक इंटरव्यू जो है वो जेरे बहस रहा। शाहिद अफरीदी ने कहा था कि उनका मशवरा ये है कि सरफराज जो है वो सिर्फ वाइट बॉल पे फोकस करें, यानी T20 और वनडे क्रिकेट आगे वर्ल्ड कप की भी उन्होंने बात की। दूसरी तरफ वसीम अक्रम और जावेद मियादाद का ये कहना, बल्कि वसीम अक्रम का मैं कोट कर दूँ, उनका कहना था कि सरफराज को हटाने के बाद हमारे पास कोई इमरान खान कोई मियादाद नहीं है कि उनको टेस्ट कप्तान बनाया जाए। इस वक्त मौजूदा टीम में बेहतरीन चॉइस सरफराज ही हैं, और मियादाद के भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात थे। इस पर भी बहस करेंगे। यासिर शाह जिन्होंने तेज तरीन 200 टेस्ट विकटें हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की पिछले दिनों, इमरान खान ने उनको मुबारकबाद दी है। एक बहस चल रही है विराट कोहली जितने ही बड़े खिलाड़ी हैं उतने ही उनको बदतमीज खिलाड़ी भी करार दिया जा रहा है। उनकी जो हरकत होती हैं ओपोनेंट्स के साथ विकेट लेने के बाद वो काफ़ी नापसंदीदा, ना सिर्फ गैर इंडियन के लिए बल्कि बहुत से इंडियन जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके लिए भी विराट कोहली अब नापसंदीदा हरकत की वजह से बदतमीज वो भी करार देने पर मजबूर है। इस पर बात करेंगे। और दूसरा, इंडिया की क्रिकेट टीम को पर्थ में दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हो गई है और एक नई जान पड़ी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मुख्तलिफ खिलाड़ियों पर पाबंदी के बाद और रिटायरमेंट के बाद बहुत ही नीचे आ चुकी है 6वें 7वें नंबर पे। लेकिन अब जो सीरीज में थोड़ी सी जान इसलिए पड़ी कि अब वो सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो मशहूर होता है मेलबर्न में उसका आगाज होगा, तो सीरीज में भी अब देखते हैं वो किस तरफ जाएगी। एक दिलचस्पी दोबारा वापस आई है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम भी न्यूजीलैंड के दौरे में है और बहुत अच्छा लगा कि न्यूजीलैंड की गोके श्रीलंका की वो टीम है कि बहुत ही इतनी हम पल्ला टीम नहीं, लेकिन उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट कल श्रीलंकन खिलाड़ियों ने बताई। हमारे यहाँ हमारे आप देख लीजिए कि 50-60 ओवर्स खेलना यूए के पिचों पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन श्रीलंकन खिलाड़ियों ने कल पूरा दिन बैटिंग की है वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की फास्ट पिचों पर, और मेंडिस और मैथ्यूज ने फॉलो ऑन होने के बाद वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। गो के अब भी 578 रन बनाने की वजह से न्यूजीलैंड का पल्ला भारी है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट जो हमारी टीम में बिल्कुल नजर नहीं आता श्रीलंकन टीम और खिलाड़ियों ने बताया। पूरा दिन वो उन्होंने बैटिंग की और आज वो दोबारा अपनी इनिंग्स का आगाज करेंगे। तो ये कुछ अहम इश्यूज थे जिस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, और इन इश्यूज पर बात करने के लिए हमेशा की तरह स्पोर्ट्स एनालिस्ट साबिका क्रिकेटर जनाब तारिक महमूद साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया सर, वेलकम कहेंगे। और बस सीरीज शुरू ही होने वाली है पाकिस्तान सरफराज की, लेकिन उससे पहले वो कि हम इस प्रोग्राम में बात कर चुके टेस्ट में भी उनका एज ए कैप्टन रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे सर ये नई जो बहस, अफरीदी की भी बात सुन ली आपने, मियादाद, वसीम अकरम, आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फारूक साहब। देखें ये काफ़ी देर से ये वलवला चल रहा है, कोई तकरीबन ये नई बात नहीं है कि लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई है कि चेंज हो जाना चाहिए। बात तो मियादाद और वसीम अकरम की वजन है उनकी बात में कि देखिए हमारे पास उनका अल्टरनेटिव कौन है। सही, हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कि मुस्तकिल तौर पर टीम का हिस्सा हो, या ऐसा कोई प्लेयर फ्यूचर तक जो हम जिसके ऊपर रिलाई कर सकें, अभी ऐसा कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक थोड़ा सा डिसिप्लिन का मामला है,
उस लिहाज से जिस तरीके से सरफराज लोगों के ऊपर प्लेयर्स के ऊपर डांट डपट करते हैं, मिस कैच हो जाए, मिस फील्डिंग हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई और प्लेयर इस पोजीशन में होता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैप्टन का जो होना, मुस्लिम मिजाज होना और थोड़ा सा अग्रेसिव होना, ये होता है कि कई प्लेयर्स जो है ना वो इस पे जरा थोड़े से अपने पाँव पर खड़े रहते हैं कि कोई मिस्टेक की हमने तो हमें जो है ना अभी सुननी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ देखते हुए इसके मद्देनजर गो के सरफराज भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो जिससे जिसकी हमें उनसे तवक्को थी कि वो एज ए बैट्समैन उभर के सामने आते, कोई एक आधी सेंचुरी कर देते या कोई लंबे जोड़े कैचेस पकड़ते, ठीक है, क्योंकि एज ए कैप्टन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली विकेट कीपिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, तो प्लेयर्स का जो है ना बड़ा एक मजबूत करेक्टर होना बहुत ज़रूरी है कैप्टन के लिए। लेकिन वही बात मैं फिर कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि जैसे पहले अजहर अली थे, लेकिन अजहर अली खुद से इरादा हो गए क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है टीम को कंट्रोल करना, टीम में खेलना बहुत बड़ा प्रेशर होता है, एज ए कैप्टन आना तो और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है, और स्पेशली हम ऑलरेडी ऑन द टूर पे चले गए हुए हैं, मुझे नहीं समझ आती कौन से लोग हैं जो इस तरह की बैसेज स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बजाय उनको आप इनकरेज करें कि वो टूर पे चले गए, फिनिश करके टूर आ जाएंगे, तो ये बातें यहीं पर हैं, ये बातें कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सा क्रिकेट की जो है ना होश नहीं है या समझ नहीं है, जो इस वक्त बात को कंट्रोवर्शियल जबकि आर टीम टूर पे होती है, ऐसी चीजें होती हैं कि जब लेट एंड फिनिश सीरीज जब खत्म हो जाए कि देखें मुमकिन है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर जाए, लेकिन ये कि फिर भी वही मैं कहूंगा अभी तीनों फॉर्मेट में कोई भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। T20 में नंबर वन है वो, वनडे में उनकी पोजिशन ठीक है रहा, टेस्ट तो टेस्ट में हमारे पास ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। सो मैं टोटली वसीम अक्रम के साथ एग्री करूंगा, जो उनकी वसीम अक्रम ये बड़े सेंसिबल लोग हैं, क्रिकेट के लेजेंड है, ये समझते हैं क्रिकेट को, बहुत ही सेंसिबल लोग जी सेंसिटिव भी है, सेंसिबल भी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी जो ना मैं समझता हूँ कि इस कबलस वक्त है किसी किस्म के भी क्या राय करनी या उनको क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ इट्स नॉट द राइट टाइम। बहुत अच्छी बात, यानी टीम जा चुकी और सीरीज अहम सीरीज है साउथ अफ्रीका में, हमारी टीम हमेशा बुरे हालात से दो चार रही। नाजिन मैं चाहूँगा आपके लिए नंबर लगा दिए जाएँ क्योंकि दो पार्ट्स हैं आज के प्रोग्राम के, स्पोर्ट्स लवर जो है इस हिस्से में शामिल हो सकते हैं, एक पाकिस्तान वर्ल्ड कप की हॉकी का जो टूर्नामेंट था वो खत्म हो गया, बेल्जियम को मुबारकबाद देना भूल गए, बेल्जियम की टीम ने पहली बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान हसबे मामूल 12वीं पोजीशन पे आया। इससे पहले भी एक इंडिया में टूर्नामेंट हुआ था उसमें 12 टीमों में 12वें नंबर पे था, लेकिन इस बार 16 टीमों में पाकिस्तान की टीम 12वें नंबर पे आई है, अफसोसनाक सूरत है, लेकिन बेल्जियम की टीम ने जो पहली बार वर्ल्ड कप जीता है वो वाकई काबिल मुबारकबाद है। और दूसरा, सरफराज की कप्तानी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अभी कल से एक प्रैक्टिस मैच से इसका सीरीज का आगाज होने वाला है, उसके बाद टेस्ट मैच होगा 26 दिसंबर को। तो तारिक साहब, यूएई में जो हमारी परफॉर्मेंस थी देखते हुए, अब क्या आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि बात चीज़ें ठीक है आपको वक्ती तौर पे कुछ मसाइल रहे हैं, वहाँ की यहाँ की विकेटों का और मसला होगा, साउथ अफ्रीका का और कुछ मसला होगा, तो अब किस किस्म की कोचिंग जो है, कोचेज जो है हमारे बैटिंग के हैं, बॉलिंग के हैं, मिकी आर्थर हैं, क्या खिलाड़ी को बताना चाहिए वहाँ पे? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है फील्डिंग डिपार्टमेंट में हमें बड़ा अहम रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो लास्ट मैच जो हम लोग उनसे आ रहे हैं, ये जो पार्टनरशिप इतनी लंबी चलेगी उसमें हमारी मिस फील्डिंग और कैच ड्रॉप जो है ना वो भी इसका बड़ा बायस बने। ये इस कैच ड्रॉप के ऊपर आप कप्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जहरी बात है अगर हमारी फील्डिंग और बैट्समैनों को जानता, मैं कहूंगा बैटिंग हमेशा, खाली हम ही नहीं अब ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हालांकि उनकी होम ग्राउंड है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो न्यूजीलैंड की बैटिंग बॉलिंग साइड थी गो के वो तजर्बाकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना जो है ना जो उनका जो जो उनके अंदर मुआद था वो पूरा उन्होंने यूज़ किया और पाकिस्तान टीम को उन्होंने बिल्कुल बैटिंग में नॉकडाउन किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए वहाँ पे पहले जाके अपने आप को सेट करें, जो साइड मैचेज हैं अपना राइट कम्बिनेशन बनाएं। मैं समझता हूँ क्योंकि अभी तो टीम अनाउंस हो गई है, अभी कुछ कहना करिए समी को ले जाएं उसको ले जाएं तो इस अभी टू लेट हो गया है, लेकिन जो हमारे पास है अभी ये है कि मोहम्मद आमर वापस आए हैं, मुमकिन है ऐसी पिचेस के ऊपर वो भी बड़े इफेक्टिव होंगे और जैसी वो विकटें हैं वह आमर को सूट भी करेंगी। और मैं समझता हूँ एक बड़ी सेंसेबल पाकिस्तानी मूव की, एक तो आमर को रेस्ट दिया और नंबर दो ये जो दुबई वाली पिचेस हैं
इसके ऊपर कामयाब होना आमिर जैसे बॉलर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब जैसे अब मोहम्मद अब्बास अगर फिट होते हैं, आमिर साथ होते हैं, साथ में कोई भी ऐसा जो हेल्पर बॉलर होगा, ये कम्बिनेशन बड़ा एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होगा। मोस्टली पाकिस्तान को क्या करना है कि अपनी बैटिंग को कंसंट्रेट करना है, थोड़े से स्कोर डालें कि बॉलर्स को जो है ना कुछ जद्दोजहद करनी पड़े। बिल्कुल सही, ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप जीरो हो जाएं और बारह को गेंद जाने आउट करके दो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। लीजिए कॉलर हमारे साथ है, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कॉल ड्रॉप हुई, आप दोबारा आ सकते हैं। और स्पोर्ट्स कॉर्नर में नाज़रीन बात हो रही है हमारी जो क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में है, और एक सवाल इससे मुतालिक और पूछ लूँगा। असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, ये मैच विनर्स या मैच बचाने के लिए, अब ये यही हमारी आज की टीम के ज़हीर बास माजिद खान है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ये जिम्मेदारी से कब खेलना शुरू करेंगे, या इनको पता है कि हम कुछ भी बुरा जितना भी खेलें हम टीम के अंदर ही रहेंगे, तो इतना ज्यादा जब खिलाड़ी रिलैक्स हो जाएगा तो नुकसान नहीं होता टीम का? देखिये, मैं समझता हूँ कि ये वाकई आप बड़ी बात है। अभी यूनुस खान और मिसबत यही है हमारी टीम के, रीड के डी का किरदार इनको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो फख्र जमान है वो फिट हो गए हैं और उन्होंने प्रैक्टिस में आना भी शुरू कर दिया था, तो ये बड़ा अच्छा है कि चांस है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फख्र जमान के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अग्रेसिव प्लेयर है और ऐसी जो ना बेहतर रहेगा जी, हम वो बेहतर रहेगा, रन रेट बेहतर रहेगा, और उसके बाद ये है कि वो अगर खड़े हो गए आपको बड़े अच्छे और क्विक रन भी करके दे सकते हैं, और पाकिस्तान एक फॉरवर्ड पोजीशन पे भी होगा कि अटैकिंग पोजीशन में बेटर खेलेंगे रादर देन डिफेंसिव। आप ज्यादा जाएंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि कोई भी एक ओपनर, जहरी बात अभी हफीज तो ओपनिंग नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फख्र जमान को एज ए ओपनर मौका जाना चाहिए। सही है। और इमामुल हक के लिए काफी चैलेंजिंग, क्योंकि तनकीद भी बहुत हुई, फिर भी अब वो टीम में है, तो या तो हमें झूठा साबित करें या खुद फिर तशरीफ। देखिए, बड़े टैलेंटेड है, यंग प्लेयर हैं, काफी टाइम है उनके पास, लेकिन यह कि टाइम लगता है अपनी टेक्निक को सेट करते हुए। सम टाइम ऐसा होता है कि बैट्समैन के ऊपर बैट पैच आ जाता है ऑल ऑफ सडन, तो उसका ये नहीं होता कि आप उसको खिलाए चले जाएं, उसको आप रेस्ट दे दें, जैसे आमिर के साथ किया उन्होंने। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आमिर बड़ा सक्सेसफुल होगा इस सीरीज में, क्योंकि जो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा गया, तो जो जिन्होंने जो लोग हैं उन्होंने बोला कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो जहरी बात है थोड़ा सा उनको भी रेस्ट मिला और सोचने का मौका मिला कि मेरी क्या नाकामियां थी जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं था। तो आई थिंक इस तरह होता है कि प्लेयर को आप शफल करते रहे तो बेहतर होता है ज्यादा। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फिर आपसे बात नहीं हो पा रही, आप दोबारा मिला सकते हैं, आप जब ऑन एयर आते हैं शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो चुकी होती है। तो हम बात करें, थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएं, तारिक साहब डोमेस्टिक क्रिकेट का आप स्ट्रक्चर ज्यादा हमसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी अहमद साहब बात कीजिए। तारिक को दो दो सलाम, अहमद बोल रहा हूँ। जी मेहरबानी। वाकई बेल्जियम जो ना वो मुबारकबाद का मौसम का पहला दफा से जीता है। और दूसरा क्रिकेट की तरफ बात में आता हूँ, पहले हसन सर ने रिजाइन कर दिया और साथ में उसने एडवाइस दी है कि कोच बाहर के मुनाफा होना चाहिए। अच्छा चले, वो भी तो चल रहा है। कोच इसलिए पसंद आता है क्योंकि अपने लोग जो ना वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो उसको घर भेज दिया जाता है, उसकी सिफारिश इतनी निकल आती है जिस बंदे को वो सेटल कराना चाहते होते हैं टीम में, ठीक है। तारक भाई का तजर्बा है, तारक को पता है जब कह मैं आ गया था गुस्से में वापस साउथ अफ्रीका, तो अब क्रिकेट की तरफ आता हूँ कि आज मामला जैसे दो दो सेंचुरियां कर जाते हैं, हमारे भी जहीर अब्बास और मियादा वगैरह, ये उन लोगों को क्यों नहीं लेके आते जो मेहनत से जिन्होंने प्रैक्टिकली ग्राउंड में कुछ करके दिखाया मुदसर नजर, आज आके फिर वही कसे पिटे बंदे ले आते हैं, ठीक है। और इन, इनको सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए, सही सर, सिलेक्शन बेहतर किसी से काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेशक कोई भी आए, जितना भी पढ़ा कोई आए, ठीक है, जैसे हमारे चीफ आर्मी के है ना, उन्होंने कहा कोई सिफारिश नहीं मंजूर मुझे, ठीक, अपना अपना काम चलाओ, और जैसे जज आजकल जैसे हम इमरान खान फैसले करते हैं, ठीक है, तो टाय उस फैसले के ऊपर ये हदीस भी है, जो फैसला हो जाए फिर उसके ऊपर डट जाओ, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी तारिक साहब, बताया जा रहा है डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है अब वो बिल्कुल ख़त्म की जा रही है, इलाकाई तौर पे उसको अब दोबारा इसका नया ढांचा बनाया जाएगा,
कैसा देख रहे हैं अगर ये तजर्बा किया गया? वैसे तो PSL में हमारी रीजनल वो डिपार्टमेंटल नहीं होती, वो मुल्तान और लाहौर और ये कलंदाज ये वो सब होता है, कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बहुत से प्लेयरों का रोजगार चला जाएगा। सबसे कई प्लेयर जो है, मैं खुद यूनाइटेड बैंक के लिए खेलता था, लेकिन कम से कम ये है कि खेलो ना खेलो, आपको ये तो है कि मेरी रेगुलर इनकम आ रही है। उसमें जो है ना, प्लेयर्स के पास टाइम होता है, वो प्रैक्टिस भी करता है, कुछ भी क्रिकेट के लिए जाता है, उसको ये नहीं होता कि मुझे जो है ना मेरा रोजगार बंद हो जाएगा। और मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना, इससे बेहतर है ये कि आप जो डिपार्टमेंटल है इसको आप वहीं पे रहने दें, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर अपना रूट ग्रास रूट ठीक करें। आप प्रॉब्लम डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की है, हमारे क्रिकेट का फेलियर है इन द बेस, जहाँ हमारी फाउंडेशन है वहां पे हमारा आपका ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, आप एलिबेट टीवी पर लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट प्लेयर कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? चलें, ये भी फार्मूला जो है जानते हैं वाकई कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप किस लेवल पे खेल रहे हैं, पहले तो ये सवाल आता है, जिली सो तौर पे हैं, किसी डिपार्टमेंट के हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन, लंबी बात है वैसे तो क्या है, क्या प्रोसेस क्या वैसे टीम में आने का? देखिए, उनकी कॉल शामिल होगी हमारे साथ, वो मतलब कि उनकी एंट्री हो गई है, अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ जो भी इनके जहन में हो। क्रिकेट बनने के लिए मेरे भाई साहब से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और फिर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर डिवीजन लेवल, फिर रीजन लेवल पे, फिर कैदम ट्रॉफी, पैटर्न ट्रॉफी, इस तरह खेल के आपको आना पड़ता है। अल्लाह के आप वेरी आउटस्टैंडिंग, आपको डायरेक्ट लाके वसीम अकरम की तरह आपको उठा के सीधा टीम में ले जाएं, तो ये होता है कि आपका टैलेंट जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट कितना है। तो ये सिचुएशन होती है। अब आजकल जो कैंप्स लग रहे हैं हमारे मुख्तलिफ जो PSL की टीमें हैं, जैसे शादाब आया है, फखर जमान आया है, अब्बास आया है, तो ये कुछ लड़के आए हैं कि जो थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग थे। अब्बास, मोहम्मद अब्बास ने देखे पूरे सीजन में, दो सीजन से वो टॉप आउट करता हुआ आ रहा है, और उसकी लाइन लेंथ और उसकी जो स्विंग है उसके ऊपर आपको याद होगा, इसको 2-3 साल बेचारे को वेट करना पड़ा। सही बात। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें तसलसल काफी स्ट्रांग था, वो मजबूरन उसको टीम में लेना पड़ा। तो ये होता है कि अपने आप को आप इतना अच्छा कर लें कि मजबूर हो जाएं। अब मैं आप दूर क्यों जाते हैं, मैं आपको खुद की बात बताता हूँ। मैंने अभी फर्स्ट का क्रिकेट नहीं खेला था तो मुझे पाकिस्तान के नेशनल कैंप में बुला लिया गया था। तो ये चीज होती है, या तो आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हो, आपसे सिलेक्टर समझे कि यार ये तो लड़का है, इसको ट्रॉफी खेलने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ये इज गुड इनफ, इसको आप लेके आए। जैसे मैं वसीम अकरम जब मलबू सबर कैंप में आया, बल्कि मैं उससे पहले एक साल पहले कैंप पाकिस्तान के नेशनल कैंप में आ गया हूँ, तो हमने कुछ भी नहीं खेला हुआ था। बड़ी ज्यादा आपने देखा, काफी प्लेयर, अब तो सैफ अहमद की बात ले लें, रातोरा टेस्ट खेले थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के रख दिया था। तो ये चीजें होती है, आपके अंदर जो टैलेंट कैसा है, आप उसको कैसे निखार सकते हैं, ये चीजें। ये फिर वही बात होती है, सिलेक्टर के ऊपर बात होती है कि अगर आपको राइट सिलेक्टर देख लें उस जरूर मौका देते हैं। लेकिन मेरा ये बिलीव है, अगर आपके अंदर टैलेंट हो आपको डेफिनेटली कॉल आती है, मौका मिल जाता है, उसके बाद आपकी किस्मत है कि भाई आप सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, वापस आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे, और ये जैसे हॉकी का हो गया कि कोई स्पॉन्सरशिप ही नहीं थी, इवन ट्रेवलिंग के लिए अब नहीं पैसे होते, तो अगर डिपार्टमेंट खत्म हो गए या वो किस अंदाज से फिर वो मामला चलेंगे, या उसको स्पॉन्सर कौन करेगा लाहौर की टीम को, कराची की टीम को, और खिलाड़ी जो हैं वो फिर कैसे उसमें कशिश कैसे रहेगी कि उनको रोजगार में, वो क्या कोई नौकरी और करेंगे फिर क्रिकेट खेलेंगे? और क्रिकेट तो मैं समझता हूँ 24 घंटे एक जॉब है, फुल टाइम जॉब है आपका। देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ जो आप कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ऊपर खत्म करना नहायत ही क्रिकेट का कत्ल होगा, बल्कि मैं समझता हूँ क्रिकेट के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल की बायस बड़े लोगों का रोजगार होकर चलता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको बंद कर दिया गया, बड़े लोगों का रोजगार चला जाएगा, इसमें एम्पायरिंग भी होती है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ग्रास रूट में है, क्योंकि हम प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट लेते हैं प्लेयर को जब प्लेयर ऑलरेडी बन चुका होता है, जैसे आप किसी U19 में लड़के खेलते हैं, उसको बैंक पी है, ये ऐसे डिपार्टमेंट ले लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट का जो फील्ड है ना, ये तो ऊपर के ऊपर जो प्लेयर बन जाते हैं उनको वो ले लेते हैं, उनमें अच्छा हो जाता है। पर जो हमारा प्रॉब्लम है उस तरफ, आप ऐसे ही है जैसे एक आंधा चला जाता है हकीम के पास, उसको उसकी आंखों की दवाई दे देता है पेट की बजाय। तो ये चीज है कि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। आपको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप जो वहां पे जो जो रीजन है
उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करवाएं, बल्कि कई लोगों को वहाँ पे जैसे वो होता है ना बाई फोर्स, कहीं जैसे हॉकी हो या क्रिकेट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बल्कि हमारी जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स थी उसको चाहिए कि लोगों को फोर्स करें कि लोगों को आप जो है ना स्पॉन्सर करें। और मैं मतलब कि मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं, यहाँ पे आके हमें जरूरत है। जरूरत नहीं है कि जी डिपार्टमेंट ऊपर से खत्म कर दे क्रिकेट ठीक हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। डिपार्टमेंट तो लेता है, बड़े बड़े रेडीमेड क्रिकेट खरीदते हैं वो लोग, क्रिकेट बनाने वाले प्रोड्यूसर कौन है, वहां पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये बिल्कुल जाहिल लोगों की बात है कि जी डिपार्टमेंट खत्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपको जो ग्रास रूट है स्कूल के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें, स्कूलों को पैसे दें, स्पॉन्सर करवाएं उनको कि जो हर स्कूल की जो इनको बड़ा बड़ा स्पॉन्सर है उनको आप टैक्स में छूट दें या कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम बनाइए। हमारी हमारा बजट जैसे यहाँ पर काउंटीज हैं, हर काउंटी का अपना बजट है, बिल्कुल तो उसी तरह या तो वहां पर बलदियाती सिस्टम हो, लाहौर कराची जो बड़ी टीमें हैं उनका स्पोर्ट्स बजट हो, और वहां से खिलाड़ी वो अफोर्ड कर पाए। ये तो हो गया डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से। विराट कोहली की बहस सर चल रही है, वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आजकल के टॉप खिलाड़ी, तेंदुलकर के बाद इंडिया को एक और एक फर्स्ट क्लास बल्कि आउट क्लास खिलाड़ी मिले हैं, लेकिन उनकी बदतमीजी के हवाले से वो उनकी चल रही है कि एक बार शायद वो इंटरनेट पे उनके ये ख्याल आता है कि अगर एक इंडियन शहरी को इंडियन खिलाड़ी पसंद नहीं है या कोई वो बिरूनी मुल्क खिलाड़ी पसंद कर रहे हैं तो वो उनको इंडिया से निकल जाना चाहिए, और फिर कुछ हरकत आउट करने के बाद और इस किस्म की जो भोंडी हरकत हैं तो बहुत से लोग उनसे नाल आए। क्या कहेंगे सर कि वो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड कैसे बदल सकता है? देखिए जी वो एक सेइंग है कि हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। नो डाउट बहुत बड़ा क्रिकेटर है, मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, इंडिया की गुड लक है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर इस दौर में पैदा हुआ। हालांकि यहाँ पे इस दौर में आप पहले आपने देखा होगा तेंदुलकर थे, अजहरुद्दीन थे, इंडिया से बड़े बड़े प्लेयर हुए, जो एक ही टीम में चार पांच प्लेयर ऐसे होते थे जो जिसको उठाओ वो बड़ा होता था। लेकिन आज के दौर में विराट कोहली के एक 100 बंदा है जो 100 मैच ले जाता है। ये सारी चीजों को नोट करते हुए मैं सर तो करेक्टर बड़ा काउंट करता है। आपने तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर हुआ, आपने कभी भी उसकी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं सुनी, सुनील गावस्कर की आपने कभी तो ये ना मैं समझता हूँ कि एक क्रिकेटर होना बहुत जरूरी है, इंसान होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोहली साहब का जो ना शायद उनका ब्लड प्रेशर लेवल खराब है ऐसे नहीं करना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन है, जब स्पोर्ट्समैन होता है ना वो सबके लिए एक होता है, चाहे कोई नीला हो पीला हो काला हो, वो कुछ हो स्पोर्ट्समैन है उसकी जो ना ऊपर से जब अल्लाह आपको रूज देता है इज्जत देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को तनकीद करें या उनको नीचा दिखलाएं। ये जो ना किसी भी मजहब में ये जायज नहीं है। तो मैं मेरी यही उनको ये है कि वंडरफुल क्रिकेटर है, उनका एटीट्यूड भी वंडरफुल होना चाहिए। अच्छा एक जो इस चीज के हमायती क्योंकि वो एक टीम की एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और थोड़ा सा एग्रेशन नजर आना और ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा सा बैक फुट पे लाना ये भी एक बड़ी फतह मैं समझता हूँ। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस जो है स्लेजिंग में वो बहुत बड़े मुकाम रखते हैं, मास्टर गालम गलोच वो करते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियंस को जो टक्कर दे रहा है उन्हीं की जबान में तो और क्रिकेट में थोड़ा सा एक जैसे वो इस टेस्ट मैच में जो पेन जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उनके साथ थोड़ी सी अगर बीमारी हुई है तो उसको वो बहुत ज्यादा कैश भी करा रहे थे मीडिया में, क्योंकि अगर गर्मा गर्मी होगी और फाइटिंग कुछ चीज नजर आएगी तो क्राउड के लिए अट्रैक्टिव ये मामला रेटिंग बढ़ेगी, रेटिंग बढ़ेगी, ये बिल्कुल बॉक्स ऑफिस में वो ऊपर जाएगा मामला। देखिए बेसिकली ही इज अ प्रोफेशनल और उसके अलावा सारी बात है, जब इस लेवल पे मैंने पहले कहा हुसन हो तो नजर आई इसको बड़ा टॉप का बैट्समैन है वो, अब ऑस्ट्रेलियन अब ऐसे ही है कि बड़ा प्लेयर कोई हो, जैसे इमरान खान थे बहुत बड़ा प्लेयर था किसी की सुनता नहीं था, गोरे भी उसको कहते यार बड़ा प्लेयर है इसकी रिस्पेक्ट करो। तो ये नो डाउट के कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, पूरी दुनिया में इस समय वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, और इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को स्पेशली इसके अगेंस्ट लैकिंग नहीं करनी चाहिए और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहना चाहिए। ये एक सेइंग है जो कि मैंने जो कही आपको। तो लेकिन ये एक और चीज होती है, एक पब्लिसिटी स्टैंड, ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं प्लेयर, मैं नहीं कहता कि ये कर रहा है, लेकिन होता है कभी कुछ कुछ ऐसी पार्टी पीछे से आपको पुश कर रही होती है कि आप ऐसा करो या कुछ तरह के बयान दे दो। डॉक्टर साहब जैसे पब्लिसिटी की आप बात करें, जो बॉक्सर्स का आपको सुना होगा कि वो इवेंट से पहले दंगल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, साथ साथ बैठे होते हैं एक दूसरे को गालम गलोच, आमिर खान की तो लड़ाई भी होगी थी, तो ये भी एक स्टंट होता है कि आप जो है वो
मीडिया हाइप क्रिएट हो और उसकी मशहूरी बढ़े, बॉक्स ऑफिस पे ये मामला ये होता है, इसको कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। मैं यही मैं आपको कह रहा हूँ, देखें मैं कई दफा माइक टायसन देखा जी, वो मुक्का मुक्की हो गया पहले पहले ही बगैर ग्लव्स, पता नहीं वो रिंग में क्या करेंगे, यही होता है ना। लेकिन रिंग में जाके लगता है कि ये तो वहाँ पे बहुत से सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं अंदर के, यार ये इससे पहले कुछ होना चाहिए। लेकिन जब मुक्के मुक्के चलते हैं तो फिर वो सारी जो ठंड में उन्हें पड़ जाती है, जिसको भी अच्छा पड़ता है। बात यह है कि बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो एक मकसद के लिए यूज़ भी करती हैं। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि उसको कहा कि जिसको इंडिया पसंद नहीं है वो जाके उधर खेल ले, जो इंडिया प्लेयर, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, जब मैं कहता हूँ हम तो अभी छोड़ गए क्रिकेट, जो ओल्ड क्रिकेटर हो गए जो भी है जी। लेकिन स्पोर्ट्समैन को ऐसा जेब नहीं करता, वो स्पोर्ट्समैन सबकी नज़र में होते हैं। आप देखें ना, पाकिस्तान में इंडिया जीत के गया है तो उनको कितनी उन्होंने वेलकम किया क्राउड ने कि तुम अच्छे क्रिकेटर हो, अच्छे खेलो, तो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें प्लीज। इसमें आप ग्राउंड में चले, थोड़ा सा 19-20 हो गया होगा, इस किस्म की लाइन क्रॉस ना करें कि आप फैंस को कह रहे हैं कि अब हमें टेंडुलकर पसंद है, या अगर किसी प्लेयर्स के अलावा मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो उनको इस मकाम पे लेके आते हैं कि देखिए इसको क्रिकेट को एक फन है, इसको फन ही रहने दें, इसको अपने पॉलिटिकल या रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करें, क्योंकि ऐसा क्रिकेट, एक तो क्रिकेटर की इज्जत चली जाती है और पता नहीं कितने ज्यादा प्रॉबली उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं उसके ऊपर, ये आपने ये करना है। ऑब्वियसली ही इज अ प्रोफेशनल और कुछ लोग उसको फ्यूचर बता रहे होंगे, फ्यूचर वज़ीर-ए-आज़म मान सकते हैं इंडिया के, ये तो सो मेनी चीज़ें होती हैं पब्लिसिटी के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हकीकत है कि ऑस्ट्रेलियन जो स्लैगिंग में वो मास्टर हैं और ये सारा काम वहीं से शुरू हुआ है। अब जहरी बात है वो नंबर दो एक हमारा जो कलर है वो उनको पसंद तो नहीं है ना कि हम उनको मारे जाके या कुछ करें, तो ये इस पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ गेम है। और मीडिया इसकी चीज को उठाता भी बाज़ औक़ात, अब कमेंट्री को रोक के वो बकायदा स्टम्प माइक की जो है वो सुनवाते हैं और लिसनिंग जो है वो ऊपर टाइटल लगा दिया जाता है कि इससे लोग, ये तो इंटरनेशनल लेवल है। मैं बताता हूँ, जो मैं 12 साल एज ए प्रोफेशनल खेल रहा हूँ लीग क्रिकेट, इंग्लिश क्रिकेट में, तो मुझे पता है जितनी क्रिकेट यहाँ पे जो क्लब क्रिकेट है उसमें कितनी स्लैगिंग होती है, कितने कुछ आपको सुनना पड़ता है, तो मैं इसे बिल्कुल वाकफ हूँ ये सारे सिचुएशन से। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप जो ना एज ए प्लेयर अपने कान नीचे कर लें, कहते कहने लेने फिर आप वो चुप कर जाएंगे, लेकिन आप किसी बात पे चढ़ेंगे तो वो ड्रामा बन आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी जी। अच्छा, आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। पर्थ में इंडिया टेस्ट हार गया और एक 250 के करीब उनको टारगेट दिया गया, लेकिन मामला यही हुआ कि अमूमन कहा जाता है हमारे इंडियन पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन नेथन लायन वहां पे भी 8 विकेट ले गया, तो क्या वजह हुई? प्रेशर जो है वो चाहे जहां भी हो जाए, आप कितने भी मास्टर हैं स्पिन के, आपको अगर प्रेशर में आप टीम आ गई है तो फिर आप जो है वो विकेटें जो है वो सेल ही करते हैं। मैं एक बात कहूँ, मैंने पहले एक अर्ज किए, इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में कोहली एक ऐसा बैट्समैन है वो 100 माइल ले जाता है। अगर कोहली फ्लॉप होगा इंडियन टीम स्ट्रगल करेगी। आपने देखा उनके बाकी बैट्समैन कोई भी इस तरह की बैटिंग है उनको कम से कम 50% भी सपोर्ट करें ना तो वो मैच को बचा सकते हैं। लेकिन बैटिंग में वो, हालांकि नेथन जो ऑफ स्पिनर है वो इतना उससे अच्छे अच्छे ऑफ स्पिनर को इंडियन खेलते हैं या पाकिस्तानी खेलते हैं, लेकिन वहां पर आगे प्रेशर जो होता है ना जब आप ग्राउंड में उतरते हो वो प्रेशर में आके आपका दिमाग घूम जाता है। तो ये मैं समझता हूँ जो इस लेवल की क्रिकेट है उसके लिए मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो जब तक आप ब्रेव इनफ नहीं होंगे, आप जितने मर्जी बैट्समैन है ग्राउंड में जाएंगे आप वहां पर ठंडे पड़ जाएंगे। यही वजह है कि पहला मैच जीता है उनका जो ना अपर हैंड था ऊपर, जब दूसरा मैच हारे हैं जिस तरीके से, फास्ट बॉलर को वो समझ नहीं पाए, ऑफ स्पिनर को वो जो नेथन को वो समझ नहीं पाए, तो मैं समझता हूँ उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा शफल करें। सही। तो और अभी दिलचस्प हो गया सीरीज का दोबारा, मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट बहुत मशहूरी होती है, वहां पे तो लाख तक का कैपेसिटी भी है, होते हैं जी बिल्कुल, तो हाउसफुल होगा। अच्छा, आते हैं सर थोड़ी सी फाइट के वाले से, क्योंकि हमारी टीम अभी अभी न्यूजीलैंड से आ रही है और बिल्कुल हैंड्स अप हो जाती है, लेकिन कल श्रीलंकन टीम की, हालांकि हमसे भी नीचे रैंकिंग है, लेकिन उनके खिलाड़ियों को दाद देना पड़ेगी कि फॉलो ऑन हुए 578 रन खाए, 282 पे आउट हुए, अब 259/3 हैं और 13/3 थे, लेकिन मेंडस और मैथ्यूज ने सेंचुरियां बनाई हैं, वो पूरा दिन खेलते रहे, वो वैगनर और बोल्ट और सारा कुछ जो उन्होंने न्यूजीलैंड ने बैटरी लगा दी, ये जो स्पिरिट था उनका फाइटिंग स्पिरिट जो है, ये क्या एक इसको क्या रेटिंग देंगे और हमारे यहाँ इसकी कमी क्यों है? देखिए मैं समझता हूँ इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। आप जब पुख्ता इरादा कर लेते हैं कि मैंने आज आउट नहीं होना,
बिल्कुल सही, चाहे कुछ हो, मैंने बोर के सम, ये सारी कंसंट्रेशन की गेम है, आपने जरा सी कंसंट्रेशन लूज की नहीं और आप आए, तो ये चीज होती है। मैं समझता हूँ कि हालांकि वो जिस स्ट्रगलिंग प्लेयर हैं उनकी भी कोई परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी नहीं हो गए, पता है जी हमने हार नहीं हारना है, लेकिन फेंक के चले जाए, लेकिन उन्होंने दिखाया कि भाई नहीं हम खेलने आए, बारी ने अपनी आराम से, जैसे क्रिकेट मैं कहता हूँ पेशेंस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई प्लेयर जो होते हैं ना वो जाते हैं सारी अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, शॉर्ट मारते हैं, लेकिन ये इनको क्रेडिट चाहिए कि उनका पेशेंस काम आया, उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, और मैं समझता हूँ कि स्पेशली जिस सर्कमस्टांसेस वो गुजर रहे हैं वो उनका भी हाल हमारा ही है बैटिंग का, तो लेकिन यह है कि मैं उनको दुआ देता हूँ जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, मर्दाना एक पुख्तगी शो की उनकी ग्राउंड में, तो ये स्पिरिट है, तो जब तक आपकी स्पिरिट स्ट्रांग है आप खड़े होंगे, जो आप लूज होंगे आप उड़ जाएंगे। अच्छा सर, दाद की बात हुई तो इमरान खान टाइम दे रहे हैं खिलाड़ी यासिर शाह को, उन्होंने दाद दी फास्टेस्ट 200 करने पे, क्या कहा होगा या इससे खिलाड़ी का कितना हौसला बुलंद होता है, और इससे ये भी लगता है कि इमरान खान दीगर इश्यूज के साथ साथ क्रिकेट पे भी वो टाइम देते हैं, नजर रखी हुई है। देखिए इमरान खान को अगर क्रिकेट में नजर देनी है सबसे पहले उनको पता है कि हमारी बेसिक कहाँ है और कहाँ से हमने ठीक करना है। इमरान खान को चाहिए कि अपने बेसिक जो रूट हैं स्कूल लेवल पे या जो जो नर्सरी लेवल के ऊपर, जब तक हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे हमारी क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। उसकी दो वजह है, एक तो यह है कि कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में इस पर विजिट नहीं कर रही कि बुलबुला पैदा हो, कि प्लेयर्स देखें, जो होता है कि जो लाइव देखना सामने उसकी एक टोटली डिफरेंट कैफियत होती है। सही। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान इतने सिंसियर हैं क्रिकेट के साथ, तो उनको चाहिए इंडिविजुअली मिलने से बेहतर है कि आप जो ना टीम की बेहतरी के लिए राइट लोगों को पिक करें, उसको बताने के लिए वो तलाश करें जिसको 200 वो विक्टिम मजीद ले, कोई ऐसा बॉलर, कोई ऐसी निशानदेही टैलेंट आए, इन्होंने तो कर दिया, ये करके दिखा के दिया, ये तो करके दिखा दिया, अब ये है कि ऐसे लोग और भी लाए, वो कैसे आएंगे व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी, अगर आप पैसे नहीं उन लोगों पे लगाएंगे, क्योंकि ये क्रिकेट बेसिकली तो ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, आम गरीब आदमी की ये मुझे याद है जब हम अंडर 19 में, मैं जो आज़म अहमद वसीम अंडर 19 में सिलेक्ट हुए, पाकिस्तान अंडर 19 में, वहां हम अंडर 16-17 थे, हमारे स्कॉलरशिप लग गए थे पाकिस्तान बोर्ड से, हमारा स्कॉलरशिप लग गया जब हम अंडर 19 थे, ये एक एनकरेजमेंट का सिलसिला होता है, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कोटा होता था, साथ साथ पढ़े भी, टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह ये जो इश्यूज थे अगले भी प्रोग्राम में हम जारी रखेंगे, और पहला हिस्सा नाज़रीन खत्म हो रहा है स्पोर्ट्स कॉर्नर, और आज दूसरे सेगमेंट में यूके यूरोप टाइम में इत्तेफाक से आज वर्ल्ड्स ओवरसीज डे भी है, तारकीन का आलमी दिन भी है, तो इसमें जो हमारे बिरून मुल्क पाकिस्तानी हैं हर चीज जो है वो उनकी बहुत ज्यादा पजीराई की जाती है, तारीफ की जाती है, लेकिन कोई भी ओहदा देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी को मशकूक करार दे दिया जाता है कि इन पर हम रिलाय नहीं कर सकते, ये क्या वजूहत है वापिस आकर